सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और न्यू गेमिंग वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए प्यारा सा लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हाँ तो दोस्तों, अभी आया हूं मैं रेस्ट कम्प्लीट करके बाहर, क्योंकि कल परेशान हो गए थे। हमारी बाइक स्टंट ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था और वो तो भाई कम्प्लीट हो गया, और आज होगा बाइक स्टंट ट्रेनिंग का सेकेंड डे, क्योंकि फर्स्ट डे में कुछ बाइक्स रह गई तो उनका आज हम ट्रेनिंग कर लेंगे, जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगे बाइक स्टैंड ट्रेनिंग हमारी। तो पहले मैं थार से बैग निकाल लेता हूं, क्योंकि यार अभी मैं रेडी भी नहीं हुआ और फिर हमें निकलना भी पड़ेगा स्टैंड ट्रेनिंग के लिए। पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, और मैं बैग को यहीं छोड़ गया था, कल थार के अंदर ही रह गया था और रूम बुक करके ऊपर ही चले गया था मैं। और हाँ दोस्तों, आपने बाइक स्टैंड ट्रेनिंग का फर्स्ट डे वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, हमने काफी इंजॉयमेंट किया था फर्स्ट डे में और काफी भयंकर भयंकर स्टंट भी किए थे। तो अभी जा रहा मैं होटल के अंदर रेडी होकर और ब्रेकफास्ट कर जल्दी आता हूँ बाहर। सो दोस्तों, मैं रेडी होकर और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके और ये सब जो भी काम है छोटे मोटे वो सब कंप्लीट करके बाहर आ चुका हूँ। और आज मैंने कुछ इस प्रकार की ड्रेस पहनी है, और अभी हम जाने वाले हैं हमारी सेकंड डे की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये हमारी थार और ये स्कॉर्पियो किसकी यार, क्लासिक में काफी अच्छी भी लग रही है, पास में से देखते हैं। काफी अच्छी है और न्यू मॉडल में यार, क्लासिक में, और अभी ली है, ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे इसको लिए, अभी तो देखो बिल्कुल फ्रेश लग रही है। और यार ये हमारी थार कम फ्रेश लग रही है, कमेंट में बताओ आप दोस्तों दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर है, दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है। चलो मैं तो बैठता हूँ अभी थार के अंदर, क्योंकि मुझे तो यार सेकंड डे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है ना। और आप बता देना कमेंट में दोनों में से कौन सी मस्त है, मुझे तो भाई थार ही लग रही है मेरी इससे भी ज्यादा मस्त, आप भी बता देना। चलो चलते हैं दोस्तों जल्दी जहाँ पे हमारे बाइक स्टंट ट्रेनिंग का सेकंड डे होने वाला है। वैसे यहाँ से ज्यादा दूर तो है नहीं, पास में, और ये देखो रेल की पटरियां कितनी हैवी जंप बनकर खड़ी हुई है यहाँ पे मतलब, और अभी ज्यादा दूर तो है नहीं, हमारा फर्स्ट डे का ट्रेनिंग हुआ था वहीं होने वाला है। तो आ चुके हैं जिस लोकेशन पर हमारी सेकंड डे की ट्रेनिंग होगी, तो थार को मैंने यही खड़े कर दिया है। और अब देखते हैं जल्दी ही बाइक स्टंट ट्रेनिंग सेकंड डे को कंप्लीट करते हैं। वैसे ज्यादा बाइक तो है नहीं यहाँ पे, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है, कुल यहाँ पे है 6 बाइक है, तो 6 बाइक से हमारे भाई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जो भी हमने कल बाइक ट्रेनिंग की थी वो यहाँ से ले गए हैं, उनका कोई काम नहीं है, तो जो रह गई थी तो उनका भी आज हम कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो पहले मैं करता हूँ ये बाइक का, देखता हूँ इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी वगैरह जो भी है, इसकी रेसिंग जो भी है, इसकी पावर अभी पता चल जाएगा। तो मैं इसको फुल पीछे लेकर और पूरी स्पीड के साथ चढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कितनी पावर। अरे भाई ये तो बीच में ही गिर गई, बीच में ही निकल गई बाहर। इस बाइक की कंट्रोल स्टार रेटिंग बिल्कुल 0 है, पर काफी हाई फ्लाईओवर हुई है यार, काफी अच्छे। और अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस नीचे वाली गिरने की, तो परफॉर्मेंस वाली ग्रेविटी इसकी जो भी है वो भी अच्छी क्वालिटी है। तो चलो अब इसको भी बाहर निकालते हैं और इसकी स्टार रेटिंग आपको देने वाले हैं। तो इसकी स्टार रेटिंग कितनी हो सकती है बाइक की, तो इसको देख कितनी दे दोस्तों, तो इसको मैं 4 देता हूँ, 4 स्टार रेटिंग कुल मिला के, तो काफी अच्छा किया था। पर ये इसकी कंट्रोल है ना वो अच्छे नहीं है। तो आप देखते हैं कौन सी बाइक को लेते हैं, हम लेते हैं भाई ये वाली बाइक को। तो दोस्तों इस बाइक का नाम है कोबरा, और देखते हैं अब इसको ड्राइव करते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, इसके अंदर कितनी पावर होती है बाइक के अंदर। और बाइक काफी अच्छी है, मॉडलिंग वगैरह मतलब काफी लग्जरी बाइक है, सुपर। और मैंने इसको रैंप में चढ़ा लिया, काफी हाई ऊपर तक जा चुकी है ये बाइक। तो दोस्तों कोबरा बाइक ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और काफी हाई लेवल पे फ्लाई ओवर हुई। और देखते हैं इसको नीचे ग्रेविटी, अरे भाई यार ये क्या है, ग्रेविटी नीचे ही गिरा दिया और मैं काफी हाथ से ऊपर से गिरा हूँ, बाल बाल बचा हूँ अभी। तो भाई मैं सीधा ऊपर चले जाता इस गाड़ी के चक्कर में, देखता हूँ यार गिरी क्यों, इसका गिरने का कारण, भाई गिरने का कारण यहाँ से अनकंट्रोल होकर ये सीधी नीचे आकर गिरी, इसका ग्रेविटी जो एम से भिड़ने पर अनकंट्रोल हो गई। और ये देखो फिर से गिरने को रेडी हो गई यार, मेरे को खत्म करके मानेगी क्या। चलो मैं इसको यही खड़ी करता हूँ, हाँ यही खड़ी करता हूँ और चलता हूँ, गिर भी गई चल इसको बाद में उठाऊंगा यार, इसकी जो सेफ्टी है ना वो भाई 0% के बराबर ही है, देखो मैं इतनी हाल से बचाऊँ। तो चलो अभी ये वाली बाइक को ट्राई करके देखता हूँ तो उसका क्या रिस्पांस रहता है। काफी हाई लेवल तक फ्लाई ओवर हुई है ये बाइक, और अब देखते हैं इसकी सेफ्टी ग्रेविटी नीचे जाकर क्या करती है। तो भाई वास्तव में मैंने सोच लिया था कि वास्तव में सेफ्टी भी अच्छी रहेगी, अच्छी रही। और देखो पानी के अंदर भी मैं इसको लेके आ गया हूँ, मतलब पानी के अंदर भी ग्रेविटी चलने में अच्छी है और काफी अच्छी रिस्पॉन्स दी है इस बाइक ने। तो हम देते हैं दोस्तों इस बाइक को कितने स्टार, दे 5 स्टार देते हैं। और अब उठाते हैं दूसरी बाइक, उठाते नहीं मेरा मतलब दूसरी बाइक को ड्राइव टेस्टिंग करते हैं स्टंट के लिए, और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कितनी रहती है, सेफ्टी और उसकी रेसिंग पावर सब कुछ देखने वाले हैं। तो अब ये वाली बाइक कर रहा हूं मैं टेस्टिंग पूरी चीज में, और अभी मैंने इसको फुल हाई लेवल फ्लाईओवर कर लिया है और अब ये नीचे जाने वाले, तो इसकी नीचे वाली सेफ्टी ग्रेविटी वाली की तो इसको देखेंगे वाव काफी हद तक अच्छी है, और मैंने भी बहुत कंट्रोल किया है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है इस बाइक ने। तो इसको यही खड़ी करते हैं, इसका कंप्लीट हो चुका है तो इसको देता हूं मैं 5 स्टार। तो दोस्तों आप बचे हैं 2 बाइक, तो 2 बाइकों में से पहले हम ये वाली बाइक को ड्राइव करके देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस
रहता है, फिर उस वाली बाइक को भी देख लेंगे, फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी बाइक वाली। तो अब इसको मैंने मेगा रैंप पे चढ़ा लिया, मेगा रैंप में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, काफ़ी अच्छा फ्लाईओवर किया है। अभी नीचे गिरने वाली, तब इसकी ग्रेविटी सेफ्टी देखते हैं कितनी लेवल पे होती, तो भाई काफ़ी अच्छी सेफ्टी है इसकी। तो अब इसको मैं एक बार पानी में और ड्राइव कर लूँ, पानी में भी देख लेता हूँ, पानी में देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और पानी के अंदर मैं इसको लेकर जा चुका हूँ और काफ़ी अच्छी ड्राइव हो रही है पानी के अंदर भी, और अच्छी चल रही है पानी के अंदर भी। अब इसको हम बाहर लेके आते हैं और इसको यहीं खड़ी करते हैं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इसको देते हैं 5 स्टार। तो अब लास्ट फाइनल ये वाली बाइक बची है, तो इसको बैठते हैं और इसको ड्राइव करते हैं और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों। इस बाइक की क्या परफॉर्मेंस रहती है। वैसे यार इस बाइक का नाम क्या है मुझे नाम भी पता नहीं, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो रैंप को चढ़ाते हैं इस बाइक से, देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो काफी हाई लेवल फ्लाईओवर किया है यार बाइक ने, और काफी अच्छी लग रही है बाइक, देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो अब ये गिरने वाली है, मतलब गिरने नीचे ग्रेविटी सिस्टम है, देखते हैं। वाओ ओ माय गॉड, ये इसने यार गिरा दिया, लग गई मेरे यार। इस बाइक का ग्रेविटी सिस्टम है बिल्कुल कोबरा बाइक की तरह ही है, बिल्कुल सेफ्टी 0% के बराबर है। देखो कितनी अच्छी तरह से मैंने फ्लाईओवर किया था। ओ भाई ये क्या हो गया यार, ये कैसे हवा में, अरे क्या हो रहा है इस बाइक के अंदर, काफी सुपर बाइक हो गई क्या, ये ऑटोमेटिकली हवा में उड़ेगी क्या। चलो अब इसका ड्राइव कंप्लीट हो चुका है, अब इसको भी यहीं खड़ी करते हैं, थोड़ा सा आगे लेते हैं और यहीं खड़ी करते हैं। इसको देते हैं दोस्तों हम 3 स्टार की रेटिंग। और अब ये कोबरा बाइक गिर गई थी, तो इसको मैं खड़ी कर देता हूँ और अब इसे उतरता हूँ यार, काफ़ी देर हो गई। और फाइनली दोस्तों हमारी सब स्टंट बाइक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमारी स्टंट ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई, और अब हमारे स्टंट होंगे वो जो भी आप सभी को बता देंगे। तो मैं बैठता हूँ अपनी थार के अंदर और चलता हूँ, ट्रक आता ही होगा इन बाइकों को लेने के लिए, क्योंकि अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जाने वाले हैं, पहले तो यार हम होटल में ही रुकेंगे आज के लिए, क्योंकि मैंने 2 दिन के लिए होटल को बुक कर लिया, तो 1 दिन हो गया और पैसे भी लग चुके हैं हमारे, तो भाई रुकना तो पड़ेगा ही होटल में। अरे यार ये कैसे जंप है, और देखो बगल में देखो ट्रक जा रहा है, जिनसे हमने बाइक स्टंट ट्रेनिंग की थी, तो वो बाइक को ट्रक लोड करके अपनी स्टंट कंपनी में लेकर जाएगा। और हम तो भाई आज जाने भी वाले नहीं अपनी स्टंट कंपनी में, हम कल निकलेंगे यहाँ से, आज तो हम यही रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सामान वगैरह सब यही रखे हुए हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ आज यही रेस्ट कर लूँ। सामने देखो दोस्तों, सामने ट्रेन खड़ी हुई है, और अपना जो स्टंट हुए थे वो रैंप भी है जस्ट बगल में, और ये विलेज सिटी है, और काफी अच्छा व्यू लगता है यार यहाँ से, मेरे को काफी अच्छा लगा। होटल की जो लोकेशन है ना काफी अच्छी जगह पे है, और अभी जा रहा हूँ मैं दोस्तों अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।